तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि ठीक है, जाति निवास RPF में आपको फिलहाल अभी आपको सेंट्रल का चाहिए, तो उसके लिए कैसे पहली बार में ऑनलाइन करना है इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताऊंगा कि सेंट्रल पर जाति निवास कैसे बनाना है। ठीक है, तो वीडियो क्लास पर बने रहिए। कोई भी ब्राउजर पर जाकर झार सेवा लिख कर सर्च करना। झार सेवा सर्च करने के बाद जो फर्स्ट में आएगा उस पर क्लिक करेंगे। तो कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपली से यहाँ, ठीक है, जो यहाँ आपको दिख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड पर डालकर आप, ठीक है, यहाँ से डालकर आप अपना पासवर्ड को देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली से मैं अपना लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये कैप्चा भरेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली से हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ आप जब नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ देखेंगे 3 डॉट पर, ठीक है, यह 3 डॉट है, ये 3 डॉट पर आप देखिए, यहाँ 3 डॉट पर देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है। अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 10 तक है, तो इसको हम कम से कम 100 तक ले लेते हैं क्योंकि दोबारा फिर उसे सर्च नहीं करना पड़े। तो यहाँ सर्च बार में क्लिक करेंगे और लिखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC। आप अगर OBC ST के लिए होंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट ST या OBC डाल लेंगे जो होंगे। ठीक है, एक तरफ आएंगे तो ये आप यहाँ देखिए सर्च कीजिए किधर है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 8 नंबर में आपको ये दिख रहा होगा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द शेड्यूल कास्ट, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये आप देख सकते हैं आपको राज्य से बनाना है, केंद्र से। ठीक है, तो ये इसको आप चुन लेना है, जो आपको सेंट्रल से अगर बनाना होगा या राज्य से बनाना है। ठीक है, नॉर्मल चाहिए या तत्काल चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नीचे आते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पूरा नेम भर लीजिएगा आपको मेल, ठीक है, आप कौन सा मेल है लिंक में मेल फीमेल ये भर लीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ डाल लीजिए, ईमेल आईडी डाल लीजिए। ठीक है, और वर्गीकरण में आप अपना एससी की चुनिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट मतलब जाति यहाँ आप चुन सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं धारी धोबी जोन दुसाद घासी ये सब है, जो आप होंगे वो चुन लीजिए। चुनने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप ये देख सकते हैं मटेरियल स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, इस पर क्लिक करेंगे। आप अगर शादीशुदा है तो मैरिड पर डालिए या ना अनमैरिड पर डालिए। अब अगर आप तलाकशुदा है तो डिवोर्स पर डालिए। ठीक है, तो इस पर फिर नीचे की तरफ आएंगे तो फादर्स नेम फिल कर लेंगे, या फिर पिताजी की जाति को आप लिख लेंगे, मदर नेम यहाँ डाल लेंगे। ठीक है, और फिर परमानेंट यहाँ एड्रेस, आप यहाँ एड्रेस को फिल कर लीजिए अपना। ठीक है, फिर यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो विलेज टाउन गांव या शहर, आपका जो गांव का नाम होगा या शहर का नाम होगा वहाँ इस पर फिल कर देना है। फिर देश इंडिया अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, राज सेलेक्ट भी ऑटोमेटिक रहेगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, जब कोई जिला सेलेक्ट करना है जो भी जिला होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अनुमंडल, आपका जो भी अनुमंडल होगा वो सर्च कर लेना है। ठीक है, अनुमंडल सर्च करने के बाद यहाँ पुलिस स्टेशन थाना चुन लीजिए, डाकघर, मोहल्ला और पिन कोड। ठीक है, इसके बाद आप अगर विलेज से बिलोंग करते हैं तो रूरल चुनिए। ठीक है, या इसमें आप कोई भी चुन सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, मतलब गांव से विलेज कर रहे हैं तो आप रूरल चुन की, यानी अगर वो नहीं चुनना चाहते हैं तो आप सेकंड म्यूनिसिपल चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखिए फिर से डबल से आपका जो आपको प्रेजेंट एड्रेस है, जो वर्तमान पता है, सिंपली से क्लिक करना है, इस पर वर्तमान पता इस पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ गांव शहर का नाम, देश का नाम जैसे ऊपर भरा था वैसे ही भरना है। चलिए, तो यहाँ पिन कोड वैसा ही भरना है, फिर यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये कैप्चा भरकर यहाँ सिंपली से फिर सबमिट पे
ये करते भर कर यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करने के बाद चलिए दोस्तों मैं अपना फॉर्म भरकर आगे प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ और ये आप देख सकते हैं मैं तत्काल के लिए अप्लाई किया हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों मैं ये वीडियो हल्का ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के चलते। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि आप यहाँ सब देख सकते हैं अपना नाम सब मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, अच्छे से एक बार मिला लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको दोबारा नहीं सुधार सकते हैं। ठीक है, और ये आपको रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ अटैच एनेक्सचर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई गलती हुआ होगा तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके आप दोबारा सुधार सकते हैं। तो हम मेरा कोई गलती नहीं है, मैं अटैच एनेक्सचर पर क्लिक करता हूँ। अटैच एनेक्स पर क्लिक करने के बाद ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ में प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके लिए आपको कोई प्रूफ देना है कि आप इंडिया के नागरिक हैं। तो सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे, जैसे कि वोटर आईडी, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी आप देख सकते हैं जो भी इसमें होगा, सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रोल रोल, इस पर प्रूफ ऑफ द ऑर्डिनरी रेसिडेंस, इस पर क्लिक करके जो भी आपका राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, टेलीफोन बिल जो होगा उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर तीसरा देखेंगे प्रूफ ऑफ द कास्ट। ठीक है, कास्ट के लिए आप जाति खतियान दे सकते हैं, फिर लैंड रिकॉर्ड राइट दे सकते हैं ये, और आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपको प्रूफ के लिए कोई भी एक दे देना है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन में, सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको जो जाति का, ठीक है, जाति का आपको जो पेपर होगा उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके यहाँ अपलोड करना है। इंश्योर ऑफ तत्काल, तत्काल के लिए आपको क्या क्यों ज़रूरी है इसके लिए आपको यहाँ देना है। ठीक है, और प्रूफ ऑफ द परमानेंट रेसिडेंस मतलब आप वहाँ से, ठीक है, कितना दिन से रह रहे हैं इसके लिए आपको प्रूफ देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप फॉर्म फिलअप कर लो करके और मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो ये मैं फॉर्म फिलअप कर लिया हूँ और ये मेरा पावती है। ठीक है, एक नाव जेलमेंट स्लिप जो मैंने अभी फॉर्म फिलअप किया है, यहाँ टाइम आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप बहुत आसानी तरीके से अपना फॉर्म को भर सकते हैं और जाति निवास सेंट्रल का बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।